अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जी अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बाजी ने कहा मुझे पास्ता बना के दे दो, तो मैंने पास्ता को बॉइल्ड होने के लिए रख दिया था। तो पास्ता जो है वो पक रहा था, तो मैं बस चेक कर रही थी कि अच्छी तरह से पक चुका है या नहीं, क्योंकि मैं ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और बस बाजी कह रही थी कि नहीं इसे थोड़ा और पकना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था ग्रेवी बनाना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल गर्म कर रखा है और इसमें राई ज़ीरा डाल दूँगी। जब भी आप राई और ज़ीरा डाल के इसका छौंक लगाते हैं तो गैस को ऑफ़ कर दें, वरना ये जल जाएंगे। तो मैंने भी गैस को ऑफ़ कर दिया था और गैस को ऑफ़ करने के बाद ही मैंने टोमेटो प्यूरी डाला था, वरना नीचे से जो है वो चिपक जाएगी। तो ब्राउन हो चुके हैं तो अभी मैं इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दूँगी। तो बस ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके मैं इसे पका रही थी। इसे ज़्यादा नहीं पकाना होता, जब तक ये थिक नहीं हो जाती और इसकी कच्ची स्मेल जो है वो चली नहीं जाती, तब तक ही इसे पकाना होता है। और मैं ज़्यादा कुकिंग करती नहीं हूँ, बस बाजी कुकिंग करती हैं और अम्मी कुकिंग करती हैं। तो बाजी ने फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि कुछ बनाओ, वरना वो नहीं कहती और मैं कुकिंग करती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ मसाले ऐड कर रही थी, नमक डाल रही थी और लाल मिर्च पाउडर भी इसी के साथ ऐड कर रही थी। थोड़ा सा ही मैंने नमक डाला है, क्योंकि जब आप पास्ता को पकने के लिए रखते हैं तब भी नमक डालते हैं। तो बस इनको डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही थी। और अभी डाल रही हूँ मैं मैगी मसाला मैजिक का सैशे। और बस ये डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और थोड़ा सा पका लिया। और इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया पास्ता। हल्के हाथ से मैं इसे मिक्स कर रही थी और बस रेडी हो गया हमारा पास्ता। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं और बाजी मिलके तोड़ रहे थे गवार की फली, क्योंकि अम्मी ने कहा डिनर में वो गवार की फली और फुलके बनाएंगी। तो बस मैं और बाजी मिलके इसे तोड़ रहे थे और सारों को हमने तोड़ लिया है, क्योंकि इसे कट नहीं किया जाता, तोड़ के ही इसे बनाते हैं। और बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप नहीं खाते हो तो भी खाएंगे, इतनी अच्छी ये बनती है। और चपाती के साथ तो इतनी अच्छी होती है, मेरी फेवरेट है ये। और मुझे पता नहीं इसे कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अम्मी और बाजी इसे बनाते हैं। तो बस बाजी ने तेल गर्म करके इसमें प्याज डाला था और इसे गोल्डन ब्राउन कर दिया था। और बहुत टेस्टी बनती है ये और बहुत जल्दी भी बन जाती है। टिफ़िन में भी अगर आप बच्चों को पैक करना चाहें तो ये पैक कर सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है ये। चपाती के साथ या फिर फुलके के साथ आप इसे पैक कर सकते हैं। तो बस ब्राउन होने के बाद प्याज बाजी ने गवार की फली और कुछ मसाले इसमें डाले थे। और इसकी ना सीटी लगानी होती है, प्रेशर कुक इससे करना होता है। और बस रेडी हो जाती है ये। और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसे मैं मिक्स कर रही थी और थोड़ी सी बाजी ने हल्दी भी डाली है। और बस इसे अब प्रेशर कुक कर देंगे वो। और जी ये है बैंगन और आलू का ग्रेवी वाला सालन और ये बहुत टेस्टी बना था, अम्मी ने बनाया था। और जी यहाँ पे ना मैं कैमरे को थोड़ी सी स्टीम लग गई थी, तो कैमरा जो है वो डिम हो गया था थोड़ा। और बैगन आलू का जो है वो ग्रेवी वाला सालन बनाया था अम्मी ने और बहुत टेस्टी बना था। और ब्रेकफास्ट में हमने इसे खाया था। तो बाजी क्यों नहीं बना रही, कुकिंग क्यों नहीं कर रही, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और अदोनी हम क्यों जा रहे हैं इतने टाइम, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और जब भी आपका रात में इस तरह से सालन बच जाए तो आप गर्म करके रख लें, क्योंकि फ्रोज़न फूड वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस है। और अब COVID-19 की सिचुएशन में ठंडी चीज़ें तो कोई भी खा नहीं रहे, क्योंकि सबको अपनी हेल्थ की जो है वो परवाह रहती है। तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और ये जो ब्रिज आपने देखा है ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर है, तो मुझे वो ब्रिज बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आगे जो है वो गाय के ग्रुप जा रहे थे, तो मैंने इनकी भी वीडियो शूट कर दी, क्योंकि इतने सारे गाय जा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो देख सकते हैं आप एक और ग्रुप जा रहा है छोटा वाला, देख सकते हैं इनकी ओनर के साथ ही जा रहे हैं। और ये जो है वो बकरियां जा रहे हैं, और मुझे बकरियां बहुत पसंद हैं, रंग बिरंगे कितनी प्यारी लगती हैं ये। और ये भी इनके ओनर के साथ जा रही थी, और इनके भी जो है वो दो से चार ग्रुप यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो भी शूट करी क्योंकि मुझे बकरियाँ बहुत पसंद हैं। तो जी यहाँ पे हम अदोनी में हैं, और बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, बस मैं और भाई यहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि बाजी भाई और अब्बू जो है वो काम से गए थे, और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी बस। तो मैंने जैसे कहा कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बाजी के लिए क्यों आ रहे हैं मदोनी, वो भी इतनी दूर। और जी यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और जब इस तरह से गांव में होते हैं चारों तरफ से हरियाली होती है, तो जब हवा चलती है तो इतना अच्छा लगता है। मुझे तो विलेज लाइफ बहुत पसंद है क्योंकि विलेज में ना कुछ भी शोर वगैरह नहीं रहता, बिल्कुल शांति वहाँ पे रहती है, खामोशी रहती है एक तरह की, और मुझे वो बहुत पसंद है। और विलेज में ना वैसे भी खेत में वगैरह इतना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी वही काम से आए हैं जो काम से हम यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जो विलेज में होते हैं ना उनकी तो कोई भी मींस प्रॉब्लम रहती ही नहीं, क्योंकि वो खेतों में जाते हैं, जो भी एसेंशियल होता है उस दिन का वो लेके आ जाते हैं, और फ्रेश फ्रेश वो कुक करते हैं। तो मुझे तो विलेज लाइफ बहुत पसंद है। और ये जो आप देख सकते हैं सामने आपको मज़ा आ रहा होगा, तो ये पहाड़ चढ़ने का हमारा बहुत मन था, लेकिन अबू ने कहा नेक्स्ट टाइम जब आ जाएंगे तो तब तुम लोग चढ़ लेना इस पहाड़ पर। और बस अबू जा रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो आई थिंक ये चावल के खेत हैं। तो ये जो है वो हरी मिर्च के खेत हैं, तो इस तरह से बिछाए हुए हैं ये लोग लाल मिर्च को, सॉरी हरी मिर्च नहीं लाल मिर्च को। जब पौधे पे मिर्च बनती है तो ग्रीन में होती है, लेकिन वो टाइम जाते रेड में आ जाती है, तो तब इसे तोड़ लेते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे पौधे, ये पपाया के हैं, और बहुत अच्छे लगे मुझे ये। और आपको जो नज़र आ रहे होंगे झोपड़ी, ये ढाबा है, और मेरा काफ़ी मन है यहाँ पे खाने का। और जी यहाँ पे अब्बू ने लिए थे रोस्टेड एप्पल। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।